तो so, की है और कुछ दिनों जो है क्लासेस नहीं हो पाई थी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी बट आज से आपका डेली क्लास होगा चाहे ईवीएस हो चाहे हिंदी हो सीडीपी हो हम हर दिन जो है एक एक क्लास पूरा डिटेल में जो है थ्योरी के साथ मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन के साथ कराऊंगी जैसा कि हमेशा होता आया है प्लस इसका जो पूरा पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा तो टेलीग्राम का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है एंड कमेंट बॉक्स में है कमेंट बॉक्स में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों का लिंक मिल जाएगा आप चाहे तो ज्वाइन हो सकते हैं तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बट एक चीज की बस शिकायत रहती है कि मैं क्लास तो चलो नहीं ले पाती हूँ बट आप लोग लाइक नहीं करते हो प्लीज़ आपके सपोर्ट की सबसे ज़्यादा जरूरत है क्योंकि अगर लाइक नहीं मिलते हैं ना ही शेयर तो फिर मोटिवेशन डाउन डाउन हो जाता है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए कि मैं बहुत ज़्यादा क्लासेस आप सभी के लिए लेकर आऊँ अपने दोस्तों के शेयर करो क्योंकि पूरा कंटेंट है ना अगर आप लेने जाएंगे तो आपको लोग पेड क्लासेस में देंगे मैं यहां पर आपको सब कुछ फ्री में दे रही हूं ठीक है तो चलिए देखते हैं देखिए मैं जो है पूरा ये आप सभी के लिए पीडीएफ बनाकर लेकर आई हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए पहले मैं हैंड रिटन जो नोट्स लेकर आती थी तो आप लोगों को उतने अच्छे से समझ में नहीं आता था तो इसके लिए इस एक मेहनत के लिए तो लाइक बनता है तो प्लीज लाइक जरूर करें चलिए देखते हैं देखिए हाथी एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है है ना ना कि इसे हमेशा जो है न, में क्वेश्चन इसे बहुत ज्यादा पूछा गया है आपको पता ही है हाथी से रिलेटेड तो हाथी से जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आज हम वो करेंगे पूरा कर लेंगे इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको हाथी का देखने को नहीं मिलेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए सबसे पहले याद रखना कि एक एक जो बड़ा हाथी होता है वो एक दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है तो ये पॉइंट याद रखना है कि एक बड़ा जो हाथी है वो एक दिन में कितना तो 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमेशा जो है सीटेड में क्वेश्चन आया है और वो यहां पर ना सौ की जगह पे कभी दो लिख देगा कभी पांच तो ये आपको ध्यान रखना है ठीक है तो ये पॉइंट हो गया चलिए दूसरा, देख लेते हैं। दूसरा लिखा है कि हाथी को पानी और की गर्मी पर हाथी अपना कान हिलाकर हवा करता है अब देखिए ये जो आपको क्वेश्चन मिलेगा ना ये आपको जो कूट वाले क्वेश्चन आते हैं ना कि पहला दूसरा दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और ये पूछा हुआ है प्रीवियस पेपर में तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि हाथी को जो है क्या करना पानी और कीचड़ से खेलना बहुत पसंद है एंड इसको शरीर इसके शरीर को क्या मिलती है ठंडक मिलती है और इसके जो कान होते हैं ना वो पंखे की तरह काम करते हैं तो ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है आप साथ में नोट्स भी बना सकते हैं या फिर आपको पूरा पीडीएफ एज इट इज मिल जाएगा चलिए अब ये देखते हैं हाथी जो है ना वो ज्यादा आराम नहीं करते हैं और ये एक दिन में केवल दो से चार घंटे ही सोते हैं हमेशा याद रखना कभी भी ना हाथी को जैसे अब हाथी का शरीर जो है भारी होता है तो लोगों को मतलब क्वेश्चन ऐसा बना के देता है तो अगर आप पढ़े नहीं होंगे तो आपको लगेगा कि हाथी को तो आराम करना पसंद है बट जी नहीं हाथी जो है वो ज्यादा आराम नहीं करते हैं और ये एक दिन में केवल दो से चार घंटे ये दो से चार घंटे इतना इंपॉर्टेंट है ना क्योंकि यहां पर आपको तीन से चार घंटे मिल सकता है दो से पांच घंटे तो याद रखना कितना दो से चार घंटे ही सोते हैं और यहीं पर एग्जामिनर खेलता है जो कूट वाले क्वेश्चन में तो यह भी पॉइंट ध्यान रखिएगा चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं ये जो हाथी जो जानवर है वो क्या करता है वो जो है झुंड में मिलजुल कर खाने की तलाश में घूमते हैं कैसे झुंड में जाते हैं हमेशा याद रखना अकेले नहीं झुंड में तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन अगला पॉइंट देखते हैं हाथियों के झुंड में केवल हथिनिया और बच्चे रहते हैं ठीक है ये को, ये पॉइंट पूछा भी था कि जो हाथियों का जो झुंड होता है उसमें केवल कौन होते हैं तो केवल जो है हथिनिया और बच्चे रहते हैं अभी प्रीवियस से पेपर कराऊंगी ना उसमें देखना इससे पूछा हुआ है तो कौन रहता है केवल हथिनिया और बच्चे चलिए झुंड की जो सबसे बुजुर्ग हथनी है वही पूरे झुंड की नेता होती है याद रखना झुंड की नेता कौन होगी तो जो बुजुर्ग हथनी है वही जो है झुंड की नेता होती है ठीक है चलिए हाथी जो है वो चौदह से पंद्रह साल तक ही झुंड में रहते हैं फिर झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं याद रखना हाथी कब तक तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ था हाथी कब तक झुंड में रहता है तो चौदह से पंद्रह साल तक ही झुंड में रहता है फिर वो को छोड़ करके क्या होता है तो ये पॉइंट आपको खास करके ध्यान रखना है हाथी जो है केवल 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहता है और ये पूछा हुआ है कि हाथी कब तक रहता है तो चौदह से पंद्रह साल चलिए आगे देख लेते हैं एक झुंड में दस से बारह हथनी और बच्चे होते हैं कितने एक झुंड में ये दस से बारह हथनी और बच्चे वाला नंबर्स याद रखना पूछा हुआ है ठीक है तीन महीने का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तीन महीने का हाथी 200 किलोग्राम मतलब दो क्विंटल वजन का होता है पूछा हुआ है कि तीन महीने के हाथी के बच्चे का हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है तो किलोग्राम में पूछेगा तो 200 किलोग्राम और क्विंटल में पूछेगा तो 200 क्विंटल और ये क्विंटल किलोग्राम अलग अलग पूछता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं दोनों एक ही है ये किलोग्राम में है आपको ही पता है और ये आपका क्विंटल में है ठीक है चलिए तो आई होप ये सारा कंटेंट आपको मैंने जो भी कराया है वो समझ में आया होगा और इसको याद कर लेना अब इससे रिलेटेड हम प्रीवियस पेपर सॉल्व करते हैं के विषय में आपको बताना है कौन सा पॉइंट सही है तो वन टू थ्री फोर चारों ऑप्शंस मिलेंगे आपको यहां पर आप देख सकते हैं चारों भी सही हो सकता है दो भी सही हो सकता है तीन भी ये पेपर में ऐसे पूछता है ना आपको पता होगा ऐसे पूछता है कि पहला दूसरा सही होगा दूसरा तीसरा तो वो ऑप्शंस तो मैंने नहीं लिखा तो मैं ऐसे ही आपको समझा दूंगी जो सही होगा हम सही कर लेंगे तो देखिए हाथियों के विषय में सही वाला बताना है पहला क्या लिखा है कि हाथी बहुत कम आराम करते हैं ये केवल दिन में दो से चार घंटे ही सोते हैं ये सही है यस एकदम सही है अभी मैंने ऊपर आपको बताया यहां पर देखिए कि हाथी जो है वो ज्यादा आराम नहीं करते हैं दो से चार घंटे ही सोते हैं एकदम सही है चलिए तो ये हमारा सही हो गया दूसरा देख लेते हैं तो यहां पर लिखा है कि एक जो बड़ा हाथी होता है वो एक दिन में 200 सौ से अधिक पत्ते और झाड़ियां खा लेता है क्या यह सही है बिल्कुल भी सही नहीं है मैंने अभी बताया सौ के से अधिक पत्ते और झाड़ियां खा लेता है अभी आपको दिखा देती हूँ यहां पर देखिए सबसे पहला ही पॉइंट था 100 किलोग्राम से ज्यादा 200 किलोग्राम से ज्यादा नहीं और ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है तो पहला तो हमारा सही हो जाता है बट दूसरा हमारा क्या हो गया गलत हो गया तीसरा देखिए कि इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है इनके शरीर को ठंडक मिलती है ये एकदम सही है एंड फोर देख लेते हैं चौथा देख लेते हैं चौथा देखिए लिखा है कि किसी भी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है क्योंकि वो नेता होती है तो ये भी बात एकदम सही है तो ये हमारा चौथा भी सही है तीसरा भी हमारा सही है दूसरा जो है ना वो हमारा गलत हो जाता है क्योंकि 200 नहीं 100 के जी ये आपको नीचे पॉइंट में ऑप्शन मिलेंगे वो तो मैंने नहीं लिखा है ऐसे ही आपको मैं समझा रही हूं तो तीसरा चौथा भी सही है हमारा इसमें और इसमें हमारा ये पहला भी सही है ठीक है गलत क्या है तो गलत केवल ये 200 के की जगह पे 100 होता ना तो ये भी सही हो जाता तो ये गलत है बाकी सारे सही हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन एक पूछा हुआ है इसलिए मैंने इसको ले लिया है कि बगुला जो है वो भैंस पर क्यों बैठता है आपने देखा होगा कि बगुला भैंस पर इसलिए बैठता है क्योंकि उन दोनों को फायदा है बगुला क्या करता है भैंस जो होती है ना मोटी सी उसके ऊपर जो बैठ के उसके ऊपर जो कीड़े लगे होते हैं ना भैंस के ऊपर उसको खा लेती है इससे भैंस को आराम मिल जाता है तो दोनों को फायदा हुआ बगुला का भी पेट भर गया और भैंस को कीटों से मुक्ति भी मिल गई तो आपको क्या लग रहा है दोनों में कौन सा संबंध हो सकता है तो क्वेश्चन से देखेंगे तो क्यों बैठता है पहला क्या लिखा है कि बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है जी नहीं मनोरंजन के लिए और भी बहुत सारे साधन है दूसरा लिखा है कि भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद भैंस तो खुद ही इतनी धीरे चलती है तो इससे आने जाने में कौन सा उसको मदद मिलेगा तीसरा लिखा है कि बगुला और भैंस में सहजीवी का संबंध है जी हाँ अगर बगुला भैंस का कीड़ा खा रहा है और भैंस को उससे आराम मिल रहा है तो दोनों को फायदा है ठीक है तो दोनों में कौन सा संबंध होगा सहजीवी तो ये सहजीवी वाला जो पॉइंट है ना इसको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है पूछा हुआ है तो तीसरा हमारा सही हो जाता है चलिए अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कौन सा कथन सही है अब इसमें दो भी सही हो सकते हैं तीन भी सही हो सकते हैं एक भी सही हो सकता है पहला देखिए क्या लिखा है कि हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं अभी मैंने आपको बताया था ना कि हाथी तो आराम करना पसंद ही नहीं करते हैं बहुत कम आराम करते हैं और ये लिख दिया बहुत आराम तो गलत हो गया दूसरा देखो हाथी दिन में से दस घंटे जी नहीं अभी मैंने आपको बताया दो से चार घंटे सोते हैं ये भी आपका गलत तो आपका दूसरा भी गलत तीन महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग दो क्विंटल होता है अभी मैंने आपको बताया था ना दो क्विंटल वाली बात तो ये आपकी एकदम सही हो जाती है फोर देखिए लिखा है वयस्क हाथी एक दिन में दो क्विंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियां जी नहीं दो क्विंटल से भी अधिक नहीं ये भी आपका गलत हो जाता है और अभी मैंने आपको ये सारे पॉइंट्स ऊपर ही कवर किए हैं तो इसमें हमारा केवल तीसरा वाला सही हो जाता है कि हाथी के बच्चे का भार समानता लगभग दो क्विंटल होता है जिसे आप दो किलोग्राम भी बोलते हैं और यहां पर लिख दिया कि बैस खाती एक दिन में दो क्विंटल से भी अधिक मतलब दो किलोग्राम से भी अधिक अभी तो मैंने आपको बताया 100 किलोग्राम ही तो खाता है 200 किलोग्राम नहीं और दो से चार घंटे सोते हैं तो इसमें आपका कौन सा पॉइंट सही होगा केवल और केवल तीसरा ऊपर भी दिखा देती हूँ यहाँ पर देखो 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खाता है केवल दो से चार घंटे ही सोता है एंड यहां पर देखिये वजन कित दो किलोग्राम दो दो क्विंटल इसका वजन होता है आई होप आपको समझ में आया होगा तो ऐसे हम क्वेश्चंस को कर रहे हैं तो आपको काफी मजा भी आएगा तो ये आपका हो गया इसका राइट right आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री दो क्विंटल होता है ठीक है तीन महीने के हाथी के बच्चे का भार जिसे आप 200 किलोग्राम भी बोलते हैं चलिए अब ये हमारा लास्ट जो प्रीवियस में पेपर में पूछा हुआ है हाथियों के झुंड के बारे में आपको सही कथन बताना है पहला देखो लिखा है कि हाथियों के झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं जो हाथियों का झुंड होता है क्या केवल एक ही परिवार के मेंबर्स होते हैं जी नहीं उसमें कोई भी हो सकता है दूसरा देखिए हाथियों के झुंड में केवल हथनी और 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं अभी मैंने आपको बताया जी हाँ केवल हथनी होती है और 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं हाथी तो झुंड छोड़ के अकेले रहने लगता है दूसरा भी सही है झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है यह भी आपका पॉइंट एकदम सही है क्योंकि झुंड जो होता है उसकी सबसे जो बुजुर्ग जो हथनी होती है वो नेता होती है झुंड की यह बात भी सही है फोर देखिए झुंड में हथनी और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है नहीं कितनी भी नहीं हो सकती है यह भी मैंने अभी आपको बताया ऊपर तो इसमें आपका कौन सा सही है दूसरा और तीसरा देखिए दूसरा सही है तीसरा हाथियों के झुंड में केवल चौदह से पंद्रह वर्ष के बच्चे ही रहते हैं एंड झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है ठीक है तो ये आपका सही हो गया एंड एक झुंड में हथनी और बच्चों की संख्या कितनी भी कितनी भी नहीं होती है और ना ही इसमें केवल एक ही परिवार के सदस्य होते हैं तो दूसरा तीसरा सही हो जाता है और ये मैं आपको एक बार ऊपर दिखाना चाहूंगी यहां पर देखिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि हाथी जो है चौदह से पंद्रह साल तक ही झुंड में रहते हैं फिर वो झुंड छोड़ के चले जाते हैं वो अकेले रहते हैं यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि एक झुंड में दस से बारह और बच्चे होते हैं कितने भी नहीं हो सकते इनका नंबर दिया हुआ है तो ये वाला सही हो ही नहीं सकता था कि एक झुंड में हथनी और बच्चों की संख्या कितनी भी नहीं दस से बारह तो इसलिए आपका दूसरा तीसरा सही है और ये चौदह से पंद्रह वर्ष के बच्चे ही रहते हैं और दूसरा झुंड की नेता होती है और ये पता आपको लगेगा कि कितना आसान है बट ये जब क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना और अगर आपने कंटेंट नहीं किया है प्रैक्टिस नहीं की है देन आप गलत कर देंगे तो ये आज की क्लास है आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी बस आपका सपोर्ट चाहिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को प्लीज लाइक करें कम से कम 2000 लोग देखते हैं तो 2000 लाइक तो कर ही सकते हैं एक लाइक का बटन दबाने से कुछ नहीं जाता है बस ये है कि मेरी हिम्मत बढ़ेगी और मैं आप सभी के लिए डेली क्लासेस लेकर आऊंगी तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में थैंक्स फॉर वॉचिंग